हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने फेवरेट ऐप को अपनी फिंगरप्रिंट से कैसे चलाएं, कैसे उसे यूज करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोज को मिस ना कर पाए। साथ ही अगर आपका है कोई टॉपिक या कोई प्रॉब्लम तो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से रिलेटेड है तो आप शेयर कर सकते हैं, तो हम उसको पूरी वीडियोज बना देंगे। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्टिंग के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अपने हाथ में जो फोन है वो है Redmi 11 Pro और इसमें हम करने वाले हैं अपने फेवरेट ऐप को अपनी फिंगरप्रिंट से सेट। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट से पहले हम बता दें कि हमारा इसके अंदर फेवरेट ऐप है कौन सा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने फेवरेट ऐप को चूज कर लेता हूँ MX Player के तौर पे, या कैलकुलेटर के तौर पे भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपनी फोन की सेटिंग्स में जाना है। फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग्स का, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपके पास रेडमी फोन होगा तभी ये चीज यूज करें, अदरवाइज आपके पास कोई और फोन है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, गेस्टर शॉर्टकट, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ये नॉन पे रहता है, आपको यहाँ से अपना फेवरेट ऐप ले लेना है। यानी कि यहाँ से हम जो कैलकुलेटर ले सकते हैं, कुछ ऐप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सेंटर्स को भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे लॉन्च गूगल असिस्टेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप गूगल से कोई काम कराना चाहते हो, कॉल लगाना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो गूगल असिस्टेंट से, तो वो भी आप फिंगरप्रिंट के थ्रू कर सकते हो। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को सेट कर लूं, या फिर टॉर्च को भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोन की टॉर्च को सेट किया है और उसके बाद मैं बैक हो गया। ओ भाई ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो हमने फोन को किया लॉक और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं हमारी टॉर्च है बंद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने स्क्रीन को ऑन किया। ठीक है, ओ भाई टॉर्च जल गई, मतलब कि मुझे क्लिक करके कुछ निकालने की जरूरत नहीं, और मैंने बंद किया ऑफ हो गई, ऑन किया ये देखिए चल गई, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, टॉर्च चल गई। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ये देखिए बंद स्टार्ट, बंद स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, देखो ऑफ ऑन ऑफ ऑन। इजली आप किसी भी ऐप को इस तरीके से यूज कर सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। तो आई होप की वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।